ओके गाइस, सो MCO 1 का ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी पर्सनालिटी कैसी है, उसके क्या क्या डिटरमिनेंट्स हैं। ठीक है, अगर मेरी एक पर्सनालिटी है तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कुछ डिटरमिनेंट्स हैं, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। और दूसरा सवाल इसी के साथ है, डिस्क्राइब वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड टाइप्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे फीचर्स आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लोगों में, एंड उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे ओके पहले आर डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का किसी भी तरह का होने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, ठीक है ना। सो एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। हेयर आर सम ऑफ की डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो मेरी पर्सनैलिटी जैसी भी है, वो डेफिनेटली कुछ हद तक मेरे हेरिडिटिकल चीजों के वजह से वो इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ, जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है, उसके कारण भी आपके पर्सनैलिटी में चेंजेस देखने को मिल सकता है ना। इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ एक बात और बोला गया, ओके सिचुएशनल फैक्टर्स। कई बार देखना कि लोग जो है बुरा काम करते हैं, लेकिन उनको फील नहीं होता कि वो लोग बुरा कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है, उनका पर्सनैलिटी वैसा इसलिए बन गया है, क्योंकि उनको एक्चुअली पता ही नहीं चला कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण से किसी बंदे की पर्सनैलिटी जो है किसी एक तरह की हो जाती है। सिचुएशन ही उनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है हेरिडिटी। जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के पीछे जो उसका जेनेटिक फैक्टर्स है, वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ट्रेट्स एंड प्रीडिस्पोजिशंस कैन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स, है ना। किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी में जो भी उसके ट्रेट्स होंगे, स्पेसिफिक ट्रेट्स जो भी होंगे, कि जैसे सपोज कहते हैं ना बाउंस बैक करना, आपको आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उस चीज को मान रहे हैं कि गलत हुआ है और वापस से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, है ना। सो ये चीज जो है वो हेरिडिटिकल होती है मेरे ख्याल से, कि आपको बाउंस बैक करना है। कई लोग हार मान लेंगे, कई लोग वापस से कोशिश करेंगे। तो जो ट्रेट्स होती हैं आपके अंदर, वो ट्रेट्स और प्रीडिस्पोजिशन वो जो होती है, वो आपने इनहेरिट की हुई होती है अपने पेरेंट्स से या फिर आपके एंसेस्टर्स से। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन may have a genetic biases। तो ये दो टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए, इसको डिटेल में कभी किया जाएगा। सो इंट्रोवर्जन या फिर एक्सट्रोवर्जन, ठीक है ना। एक होता ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, है ना, आपने ये सुना हो, इंट्रोवर्ट वाला नहीं रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता, इस तरह की चीजें। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटीज हैं वो जनरली जेनेटिक बेसिस पे ही होती हैं, ठीक है। दूसरा है इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट जैसा रहेगा आप वैसे ही होंगे, ये तो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। अभी तो खासकर ये फील होता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इन्वायरमेंट अपने बच्चे को देते हैं या अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप भी अच्छे ही होंगे, है ना। सो इन्वायरमेंट बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। सो द इन्वायरमेंट इन विच अ पर्सन ग्रोज अप, एक इन्वायरमेंट जिसमें बंदा बड़ा होता है, इंक्लूडिंग फैमिली कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, राइट। इस तरह की चीजें जो है हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट जो है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन रेज्ड इन अ कलेक्टिविस्ट कल्चर में डेवलप डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स कंपेयर टू समवन रेज्ड इन अ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। तो जैसे हम लोग ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली, सेपरेट फैमिली या सिंगल फैमिली, आप जो भी बोल लो, तो ज्वाइंट फैमिली में जब लोग रहते, लोगों को मतलब टॉलरेंस वाली भावना थोड़ी ज्यादा आ जाती है, कि बर्दाश्त करना है, चलो किसी ना किसी की बात का तो आपको बुरा लग ही जाएगा, तो आप उसको रह जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा सेपरेट फैमिली होता है, जो इंडिविजुअल फैमिली होता है, जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में जो पला बड़ा है, उसको देखना वो सारी चीजें फिर वो टैकल नहीं कर पाएगा, उसको फिर वहां प्रॉब्लम होगी, है ना। सो आपका आसपास का माहौल किस तरीके का है, किस एनवायरमेंट में आप बड़े हो रहे हैं, इसका आपके पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत हद तक जो है इन्फ्लुएंस पड़ता है। तीसरा है फैमिली एंड अपब्रिंगिंग, ठीक है। आपकी फैमिली डायनेमिक्स कैसी है, पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसा है ना। बहुत जो रफ एंड टफ फादर्स होते हैं, वो तो अपने बच्चों से बात नहीं करते, बस डांटते रहते हैं सारा दिन, है ना। तो बच्चे के अंदर एक डिफरेंट जो है ट्रेट पैदा होगा।
बट अगर अगर आप कोई ऐसा फादर है जो कि अपने बच्चे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, उसके स्कूल जा रहा है, उससे बातें कर रहा है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो वो उसके प्रति जो है उसका लगाव थोड़ा सा ज्यादा होगा और उसके उसका उसके पर्सनालिटी में भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फैमिली डायनेमिक्स, पेरेंटिंग स्टाइल एंड सिबलिंग रिलेशनशिप। सिबलिंग रिलेशनशिप क्या हो गया यहाँ पे, जो दो आपके जो भाई बहन है, भाई बहन यहाँ पे सिबलिंग कहलाएंगे, तो जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है, उसके बेसिस पे भी जो है आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। अ सपोर्टिव एंड नर्चरिंग फैमिली इन्वायरमेंट कैन फॉस्टर पॉजिटिव ट्रेट्स, है ना। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट किया जा रहा है, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आपकी फैमिली उस तरीके से आपको नर्चर कर रही है, तो आपके अंदर जो ट्रेट्स आएंगे, जो फीचर्स आएंगे, या फिर जो स्पेशल जो आपके अंदर चीजें होंगी, खूबियां होंगी, वो और पॉजिटिव होंगी, अच्छी खूबियां होंगी। वाइल डिसफंक्शनल फैमिली, जो कि एक ऐसी फैमिली जो कि ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, मे कॉन्ट्रीब्यूट टू नेगेटिव ट्रेट्स। ये जो मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, सारे के सारे विलन्स होते हैं, या हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं, वो इसलिए ही जाते हैं क्योंकि उनका फैमिली देखना, आप उसके पीछे रीजन जब खोजोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको गलत दिखेगा जिसके कारण गलत से। जैसे चौथा है कल्चर। सो कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यू शेप पर्सनैलिटी ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कल्चर दैट प्रायोरिटाइज ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी मे प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देन कल्चर्स दैट एम्फसाइज इंडिविजुअलिज्म एंड असर्टिवनेस। तो कल्चर में भी, अब जैसे हम लोग में हिंदूज या फिर मुस्लिम में, हम लोग में कल्चर में क्या है कि आप अपने अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे, है ना। इंडिविजुअलिस्टिक चीजें नहीं, हम यहाँ पे मैं नहीं जा रहा, हम चलता है, हम मतलब हम लोग हाँ सब मिल करके, मतलब एक तरीके से घर पे रहते हैं या फिर जो भी सारा काम करते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमको ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा कल्चर जैसे कि US में देख लो या फिर आगे बाकी सारे जगहों पे, जहाँ पे जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं या इंडिपेंडेंट हैं, वो बार बार मैं की तरफ जाने लगते हैं, मैं एज ए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरीके से लोग बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, बट मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, है ना, कि जैसे कि सद्भावना, किसी को अगर चोट लगी है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका आप कल्चरली उसी तरीके से बड़े हुए हैं कि किसी की हेल्प करना, जरूरत पड़ने पे किसी की हेल्प करना, राइट, इस तरह की चीजें। पर जो इंडिविजुअलिज्म होता है, उसमें ज्यादातर लोग जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में सोचें। ठीक है, सो कल्चर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक डिटर्मिनेंट है आपके अच्छे या बुरे पर्सनालिटी के होने का। पांचवा नंबर पॉइंट है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी शिक्षा अगर अच्छी होगी, जैसे विकास देवी कीर्ति सर का मैं एक डायलॉग सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जिसकी पढ़ाई, जो पढ़ने में अच्छा होता है, जो स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसके स्वभाव में विनम्रता ऑटोमेटिक चली आती है, आपका स्वभाव जो है बहुत शांत हो जाता है, आप लोगों से बहुत ही ठंडे मिजाज से बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और फिर उनको जैसा आपको सही लगता है फिर आप अपना जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो आपका एजुकेशन किस तरीके का है, सोशलाइजेशन किस तरीके का है, जैसे मेरा बेटा जो है वो अभी ज्यादातर लोगों से बातें नहीं करता है, सोशलाइजेशन के मामले में वो एकदम जीरो है, सिर्फ घर में बातें करेगा, बाहर जाएगा तो चुप हो जाएगा। तो ये अगर मैं उसको बार बार कोशिश नहीं करूंगा कि बेटा बाहर जाकर के तुम बात कर सबसे, तो क्या होगा कि वो इंट्रोवर्ट बन जाएगा, वो अपना फीलिंग्स किसी को खुल करके बता नहीं पाएगा, है ना। सो सोशलाइज करना बहुत जरूरी होता है खुद को, तो एजुकेशन एंड बिल्कुल सोशलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। फॉर्मल एजुकेशन एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जब आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपका एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनता है। जैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा बाहर निकल करके सबसे बातें नहीं करता हूँ, आई थिंक इसी कारण से अरसलान में भी वो ट्रेट्स है कि वो भी बाहर जाता है तो किसी से बात नहीं करता, पर अगर वो मुझे देखेगा कि मैं बाहर जाकर के सबसे बातें कर रहा हूँ, तो वो चीज उसके अंदर भी आएगी, चलो पापा सबसे बात कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी करूँ, ठीक है। सो वो उस तरह की यस यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ किशन, नहीं सर, मैं ये बोल रहा था, सही बात है। हाँ, सो एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू अ पर्सनल डेवलपमेंट। एजुकेशन कैन इनहेंस कॉग्निटिव स्किल्स। एजुकेशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आपका कॉग्निटिव स्किल है, कॉग्निटिव स्किल का मतलब होता है वो स्किल जो आप करते करते सीखते हैं, बहुत सारा चीज है जो आपको ना पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी चीज है जिसको आप जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो आप सीख जाएंगे कि नहीं इसको ऐसे करना है। तो जो कॉग्निटिव स्किल है वो बढ़ता है एजुकेशन के कारण, एजुकेशन से, एंड सोशलाइजेशन वो भी होता है,
वाइल इंटरेक्शन विद डाइवर्स इंडिविजुअल्स, अगर आप बहुत अलग अलग तरह के लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो भी ब्रॉडन होगा, बड़ा होगा, आपका नजरिया बदलेगा। हो सकता है कि आपका किसी चीज को लेकर के एक सिंपल नजरिया है कि चलो ऐसा ही होता है, पर अगर आप उसको और डीप में लोगों से बातें करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही सब सोचे, आपका जो थिंकिंग है वो दूसरे की बिल्कुल थिंकिंग से अलग हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा वाला फिर गलत हो गया। सही गलत की बात नहीं है, बात हो रही है एक दूसरे के सोच को, एक दूसरे के चीजों को रिस्पेक्ट करना, है ना। सो एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। सिक्स्थ पॉइंट है लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स सच एज ट्रॉमा, सक्सेस, फेलियर और लॉस कैन इंपैक्ट पर्सनैलिटी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स जो आपके लाइफ में है, सपोज किसी तरह का ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है या फिजिकल ट्रॉमा है, कभी आपको चोट लगी है बहुत ज्यादा फिजिकल, तो उसका आपके पर्सनैलिटी के ऊपर अधिक असर होगा। अगर मेंटल ट्रॉमा है ना, सपोज किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए बचपन में ही, उसके मम्मी या पापा में से किसी की डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसके जरिए उसके मेंटली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा हो, तो वैसे ट्रॉमा जो है आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है उसके कारण से भी जो है आपका इंडिविजुअल जो अप्रोच है, जो पर्सनैलिटी है, वो डिफरेंट हो सकता है। सक्सेस, आपको अगर बहुत ज्यादा बचपन में अचीवमेंट, अगर आपने बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिला है, पढ़ाई कर रहे हैं, आप फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आपके अंदर चला आता है। अगर आप बहुत ज्यादा फेलियर झेल रहे हैं, लॉस, इसी में लॉस की बात करूं, अगर आपके साथ लॉस हुआ है किसी तरीके का, है ना, तो ये सारी चीजें भी जो है आपके पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं, और बहुत ही बुरे तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, कई बार अच्छे तरीके से भी इम्पैक्ट करती हैं। सो दीज एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड कोपिंग मैकेनिज्म, है ना। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, आपके एटीट्यूड में बदलाव ला सकते हैं, और जो आपका कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग का मतलब होता है किसी चीज के साथ मिल करके कैसे आप कोप करोगे। जैसे कि आप ठीक हो, अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सिचुएशन से तो आपको डील करना पड़ेगा ना, तो आप कितने अच्छे तरीके से डील कर पाओगे ये आपके कोपिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो भी बहुत सही होना चाहिए। अगर सब कुछ पॉजिटिव होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कोप कर लोगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि चीजों को कैसे करना है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, आपका ब्रेन किस तरीके का है, न्यूरोकेमिस्ट्री, है ना, ये हालांकि थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, न्यूरोकेमिस्ट्री आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उसकी केमिस्ट्री कैसी है, एंड हार्मोन्स, आपके जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, हर एक चीज के लिए हार्मोन है, डर के लिए हार्मोन है, खुशी के लिए हार्मोन है, गम के लिए हार्मोन है, आप जैसा फील करेंगे वैसा ही हार्मोन आपके बॉडी से निकलेगा और आपको वैसा ही और ज्यादा फील होगा, ठीक है। सो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये भी आपके पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लड़कियों को देखना या लड़कों को भी देखना कि बहुत ज्यादा इमोशनल सीन अगर कोई होगा तो कोई रोने लगेगा बहुत ज्यादा, वो इसलिए रोने लगता है क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर जो बायोलॉजिक्स है वो है ही थोड़ा डिफरेंट, कि आप छोटा हल्का सा इमोशनल सीन देखे और आप रोने लग गए, आपकी आंखों से आंसू आ गए, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, ठीक है। सो ये वो उस तरह की चीजें होती हैं। फॉर इंस्टेंस, इम्बैलेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन कैन इन्फ्लुएंस मूड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अब सेरोटोनिन एक तरह का हार्मोन होता है, ये बाहर में भी खरीद करके मिल जाएगा, जिसका मूड बहुत खराब रहता है, डिप्रेशन में है या बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, उसके लिए सेरोटोनिन देना बहुत जरूरी है उसको। तो सेरोटोनिन हम लोग के बॉडी में ही होता है, पैदा होता है। अगर आप अच्छा फील करेंगे तो सेरोटोनिन बहुत ज्यादा निकलेगा, बुरा फील करेंगे तो सेरोटोनिन निकलेगा ही नहीं, जो डिप्रेसेंट्स है वो सारी चीजें जो है वो हावी होने लगती हैं। तो सेरोटोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके मूड को, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, और अगर ये इम्बैलेंस होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स में तो सेरोटोनिन को वो ब्लॉक करेगा, और अगर ब्लॉक करेगा तो आपका मूड खराब रहने वाला है, ठीक है। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, सिचुएशनल फैक्टर्स, पर्सनालिटी कैन ऑल्सो वेरी बेस्ड ऑन कैन वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। कोई स्पेसिफिक टाइप का सिचुएशन आ गया जिसके कारण से जो है आपके पर्सनालिटी में किसी भी तरह का बदलाव जो है आ सकता है, ठीक है। एन इंडिविजुअल में एग्जिबिट डिफरेंट ट्रेट्स इन अ वर्क एनवायरमेंट कंपेयर टू सोशल सेटिंग। हो सकता है कि जब आपको कोई काम मिले तो आप झलझलाने लगते हो, आपको काम करने में मजा नहीं आता हो, या आपके अकॉर्डिंग आपको काम ना मिले तो फिर आपको काम करने में मजा नहीं आता, तो जो आपका वर्क एनवायरमेंट है वो आपके सोशल सेटिंग के साथ अलग हो सकता है। हो सकता है कि घर पे आप बहुत अच्छे हैं, बाहर आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप काम पे जा रहे हैं तो आपका मन नहीं लग रहा है या आपको मन कर ही नहीं रहा, ठीक है। सो सिचुएशनल फैक्टर्स, कोई काम ही आपको ऐसा मिल गया कि आपको मन नहीं कर रहा, तो सिचुएशनल फैक्टर्स के कारण भी जो है आपका पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकता है।
ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके। ओके गाइस, सो पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड टाइप्स। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स में वही सारी जो जो हम लोगों ने अभी की हैं उसी को एक तरीके से क्या कहेंगे, थोड़ा जीस्ट जीस्ट आप बोल सकते हैं कि उसी का जो है निचोड़ जो है हम लोग ट्रेट्स में देखते हैं कि किसी की ट्रेट्स जो है किस तरीके की है, किस तरीके से तो वो फील कर रहा है, किस तरीके से अच्छा वो बिहेव कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे है। सो पर्सनालिटी ट्रेट्स आर इंडिवरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग क्या बनाता है, उसका थॉट्स, उसका फीलिंग, उसका बिहेवियर ही बनाता है। जैसे कोई बहुत ही बुरा सिचुएशन आपके सामने आ गया तो बहुत से लोग होंगे जो कि पैनिक कर जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग काम होंगे और उस काम को कैसे करना है इस बारे में वो लोग सोचेंगे। ठीक है ना, तो यस ये जो आप दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, इनका ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस अलग है, ये चीजों को फील डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं और इनका बिहेवियर भी डिफरेंट है, जिसके कारण से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हो सकता है। देर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत सारी थ्योरीज है पर्सनैलिटी के, एंड डिफरेंट मॉडल पर्पसेस, डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्रेट्स, और हम लोग उन्हीं में से एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल इंक्लूड्स फाइव कोर ट्रेट्स। ठीक है ना, ट्रेट्स मतलब एक तरीके से जो आपका बिहेवियर है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर उस वो चीज है। पहला है ओपननेस। ठीक है, सो ओपन इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग, ओपन इंडिविजुअल्स आर क्यूरियस, इमेजिनेटिव एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। जो ओपन ओपननेस होती है बिग फाइव परसेंट ट्रेट्स में, ऐसे लोग जो ओपन होते हैं, मतलब चीजों को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है, अगर उनको कुछ नया उनको मिल जाए तो वो ये नहीं सोचेंगे कि यार ये नया फिर से करना पड़ेगा, फिर से कुछ नया मतलब याद करना पड़ेगा, पहले ये याद करके रखे थे अब कुछ नया करना पड़ेगा। लेकिन जो ओपन नेचर वाले होंगे, जो ओपन इंडिविजुअल्स होंगे, वो क्यूरियस होंगे कि अरे यार आज क्या मिला है पढ़ने को, चलो देखते हैं फिर, है ना। सो ओपन इंडिविजुअल्स आर क्यूरियस, इमेजिनेटिव, सोचते हैं बहुत ज्यादा, इमेजिन करते हैं और नए नए एक्सपीरियंसेस को लेकर के ओपन रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेके चलते हैं। कई लोग देखना रिजिड होंगे कि जैसा है वही वैसा ही रहे। ठीक है, एक मिनट, मेरे लैपटॉप में थोड़ा ग्लिचेस है। ओके ठीक है, दूसरा है कॉन्साइंटियसनेस, कॉन्शियसनेस भी हालांकि बोल सकते हैं। सो कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, यस नहीं, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस ही नहीं है, होगा। कॉन्साइंशियसनेस, कॉन्साइंशियस, एक कॉन्साइंसनेस भी होता है। ठीक है, तो कौन ये कॉन्साइंशियसनेस, ठीक है, कॉन्साइंशियसनेस, सो कॉन्साइंशियसनेस, ओ माय गॉड, मेरा टंग ट्विस्टर हो गया ये पूरा। ठीक है, सो कॉन्स कॉन्साइंस जो होता है ना, कॉन्साइंस, सो कॉन्साइंस का ही है कॉन्शियसनेस। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग थोड़ा याद रखिएगा, स्पेलिंग एग्जाम में लिखने में गड़बड़ होगा यस इसको यस कुछ आता है तो। ठीक याद है, सो कॉन्साइंस का ही कॉन्साइंसियसनेस। ठीक है, सो जो कॉन्साइंसियसनेस इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। अब देखो कॉन्साइंसनेस का मतलब क्या है, कि आप चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, आपको फील होता है कोई चीज, आपको जो है चीजों से फर्क पड़ता है। अब अगर मेरे घर में सारी चीजें फैली हुई हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा जो ट्रेट्स है इसमें फिर ये कॉन्साइंसियसनेस आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इधर उधर की चीजें अगर फैली हुई रहे घर पे, कि कपड़ा वहां है, बेल्ट वहां है, चप्पल वहां है, इस तरह से चीजें अगर इधर उधर रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, सो इस तरह के जो लोग होंगे उनका जो होंगे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते होंगे, आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल होंगे हर एक चीज के लिए, अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आप उसको पूरा करेंगे, है ना। और साथ ही साथ डिटेल ओरिएंटेड होंगे, हर एक चीज के बारे में आप डिटेल में जानकारी रखते होंगे या जानकारी रखना चाहते होंगे। ठीक है, सो ये दूसरे तरीके के लोग हो गए। तीसरे हो गए एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन, वो इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट मैंने बोला था। इंट्रोवर्ट में क्या होता है कि अपने में ही आदमी रहता है, एक्स्ट्रोवर्ट में लोगों से मिलता है, बातें करता है, तो यहाँ पे देखो वही बात बोली गई है। एक्स्ट्रावर्जन में क्या है, एक्स्ट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स आर आउटगोइंग, इन लोगों को बाहर जाना बहुत पसंद होता है।
सोशल होते हैं, लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है, एंड असर्टिव होते हैं, हर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। सो एक्सट्रावर्जन में ये आ जाएगा, और जो वहां इंट्रावर्जन था वो फिर डिफरेंट है, ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा वो, ठीक है। पांचवा पॉइंट है एग्रीएबलनेस, चीजों के साथ एग्री करना, है ना, हर चीज में डिसएग्री नहीं करना, एग्री करना। सो एग्रीबल इंडिविजुअल्स आर कोऑपरेटिव, ऐसे लोग कोऑपरेटिव होते हैं, आपसे बातें करेंगे, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके आपकी हेल्प भी करेंगे, कोऑपरेटिव होंगे किसी भी काम को लेकर के, एम्पैथेटिक होंगे साथ ही साथ, यस है ना, एम्पैथी रखते होंगे, एंड कंसिडरेट होंगे, चीजों को कंसिडर करते होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह का बात जो है वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाँ हो सकता है, हो सकता है, मैं एग्री करता हूँ, है ना, इस तरह की चीजें होंगी। और पांचवा बिल्कुल है न्यूरो न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिक इंडिविजुअल्स टेंड टू बी एंशियस, मूडी एंड इमोशनली रिएक्टिव। तो ये पांच तरह के यहाँ पे बोला गया है कि पांच तरह के लोगों के बिहेवियर के हिसाब से, ट्रेट्स के हिसाब से पांच तरह के लोग यहाँ पे बताए गए, ठीक है। पांचवा जो व्यक्ति है वो है न्यूरोटिक इंडिविजुअल्स टेंड टू बी एंशियस, ऐसे लोग बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, चीजों को लेकर के बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, मूडी होते हैं, ठीक है ना, बात करने जाओगे तो ठीक से बात नहीं करेंगे, है ना, सो मूडी हो जाएंगे, एंड इमोशनली रिएक्टिव, और इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर हंसी वाली बात है तो हंसेंगे, रोने वाली बात है तो रोएंगे, इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कई लोग होते हैं कि रिएक्ट नहीं करते हैं, कि चलो कुछ हुआ तो चलो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और कई लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ऐसे लोग न्यूरोटिसिज्म वाले लोग जो है बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसा उनका फील होगा फील करेंगे वैसा वो रिएक्ट करेंगे। दूसरा है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI, ठीक है, मायर्स ब्रिग्स, ये पॉइंट्स आप याद, ये पॉइंट्स जो है 1 2 3, ये बहुत जरूरी है। दिस मॉडल कैटेगराइजेस इंडिविजुअल्स इनटू वन ऑफ 16 पर्सनालिटी टाइप्स बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस एंड फोर डाइकोटोमीज, यस चार चार जो है तरीके में, चार चीजों में जो है इसको बांट देता है, 16 16 पर्सनालिटी टाइप्स बताया गया है इसको, ये चार भागों में बांट देता है। पहला है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ओके, ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, इट्स ओके, बस इतना ही याद रखिए, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप ए एंड टाइप बी, ये बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे, तो टाइप ए पर्सनालिटीज आर एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोन टू स्ट्रेस, प्रोन टू स्ट्रेस मतलब इनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है। आई एम वन ऑफ दीज कैटेगरीज, ठीक है, मैं टाइप ए में हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ, कॉम्पिटिटिव तो हूँ, साथ में साथ प्रोन टू स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा होता है। वाइल टाइप बी इंडिविजुअल्स आर मोर रिलैक्स एंड लेड बैक, टाइप बी तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चीजों से, और लेड बैक होते हैं, जब मर्जी मन करेगा लेट जाएंगे, ठीक है। हालांकि लेड बैक का मतलब लिटरल मीनिंग वो नहीं है, बट लेड बैक में वही है कि चीजें बहुत रिलैक्सफुली लेते हैं, वो किसी भी तरह का सिचुएशन रिलैक्स बहुत ही रिलैक्स करते हैं, चीजों को बहुत ही हल्के में लेते हैं, ठीक है, टाइप बी। चौथा है ट्रेड फ्यूरी, तो पर्सनालिटी डायमेंशन सच एज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्पल्सिविटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यहाँ तीन तरह की चीजें बताई गई हैं। कॉन्फिडेंस, आप समझ रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव होना, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा रिएक्ट करना, ठीक है, उसी टाइम पे इम्पल्सिव रिएक्ट करना तुरंत, है ना, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका जो इमोशन है वो आपका किस तरीके से स्टेबल है, रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो ये तीन लोग होते हैं इसमें, ट्रेड थ्योरीज के अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। पांचवा है साइकोडायनामिक थ्योरीज, सो सिगमंड फ्रीउड, सिगमंड फ्रीउड साइकोडायनामिक थ्योरी क्लासिफाइज पर्सनालिटी इनटू थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है, इन्होंने तीन चीजों में बांटा है, ईगो एंड सुपर ईगो विद वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, ठीक है। सो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर है कि आपके ऊपर अगर किसी भी तरह की बात होती है तो आप चीजों को किस तरीके से डिफेंस कर रहे हैं, आपका डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके का है, आईडी, आईडी इज लाइक एक्सेप्ट करना कि चलो ठीक है ऐसा हो सकता है, चीजों को ईगो पे ना लेना, दूसरा है कि ईगो पे लेना,
आपको कोई, आपने किसी को कुछ करने को कहा, किसी ने कुछ नहीं किया, तो आपने ईगो पे ले लिया कि अरे भाई मैंने बोला और मेरी बात नहीं मानी उसने, अब तो उसकी खैर नहीं। ठीक है, तो ईगो में लेना। तीसरा है सुपर ईगो, बहुत ज्यादा ही ईगो में ले लेना, इतना ज्यादा ईगो में लेना कि आप दूसरे का नुकसान पहुंचाने के ऊपर भी आ गए, आमादा हो गया। ठीक है, इस तरह की साइकोडायनेमिक थ्योरीज यहाँ पे बोली गई है कि आपका दिमाग किस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये साइकोडायनेमिक है। छठा है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट लाइक एब्राहम मैस्लो, इनका नाम आपने सुना होगा 11-12 में, एंड कार्ल रॉजर्स फोकस ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ एज सेंट्रल टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको एक्चुअलाइज करना, खुद को समझना कि आप कैसे हो, आपका सेल्फ स्टीम कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है लोगों को लेकर के, ये समझना बहुत जरूरी है। खुद से बात करना जरूरी है। आप अगर खुद को ठीक तरीके से नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है, और इसको ऐसे सेंट्रल रखा गया है, मतलब मेन, मतलब इसको मेन माना गया है इस थ्योरी में, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में, कि अगर आपको पर्सनली डेवलप करना है या आपको बेहतर बनाना है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ की भावना होनी चाहिए। ठीक है, सातवां पॉइंट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज। दीज थ्योरीज एम्फेसाइज द इंटरेक्शन बिटवीन पर्सनल ट्रेट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड लर्न्ड बिहेवियर्स, जिसमें तीनों की तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, आपने क्या क्या सीखा, आपका बिहेवियर देखना कि हमेशा पढ़ के नहीं पता चलता, कई बार आपके साथ आप जैसा काम कर रहे होते हो, जैसे लोगों के साथ रह रहे होते हो, आपके बिहेवियर में भी उस तरीके का बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो लर्न्ड बिहेवियर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में किया था ना, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज में यही सारी चीजें आएंगी। एंड इसको एंड करते हैं, आई थिंक यही एंड है, राइट, इसको कंक्लूड करते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पर्सनैलिटी इज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तक तो हम लोग को ये समझ में आ ही गया है कि पर्सनैलिटी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक शब्द में या एक सेंटेंस में इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है, एंड नो सिंगल मॉडल और थ्योरी कैन फुल्ली कैप्चर इट्स इंट्रीकेसीज। ठीक है, ओ माई गॉड, इसका मीनिंग तो मुझे भी देखना पड़ेगा। इंट्रीकेसीज, इंडिविजुअल्स ऑफन एग्जिबिट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स एंड अडैप्ट देयर बिहेवियर टू डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो जितने भी सारे लोग होते हैं, वो देखना उनका एक अपना एक बिहेवियर होता है, ट्रेट्स होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर उनका जो है अपने उनके अंदर होता है, और बहुत सारी चीजें वो लोग करते करते भी सीखते हैं। बहुत सारी चीजें, जब कोई घटना उनके साथ होगी तो उनके बिहेवियर में या डिफरेंट सिचुएशन में भी उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट तरीके का निकल करके आ सकता है, तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है। एडिशनली पर्सनैलिटी कैन चेंज एंड इवॉल्व ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। प्रीवियस जो बात बोली गई है उसी को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है कि एडिशनली जब पर्सनैलिटी आपकी तब भी बदलती है जब आपकी लाइफ, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, आपके बिहेवियर में देखना बदलाव होने लगेगा। 10-11 साल का बच्चा जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, 15-16 साल, 17-18 साल में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है लड़ाई झगड़े को लेकर या किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं आप देखना लड़ाई झगड़े की तरफ आपका ध्यान बहुत कम जाएगा, है ना, दोस्तों के साथ घूमने की तरफ ध्यान बहुत कम जाएगा, मतलब टाइम पास करने की तरफ आपका ध्यान बहुत कम जाएगा, क्योंकि आप मेच्योर हो जाओगे। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, वैसे वैसे आप इवॉल्व करोगे, है ना, इवॉल्व ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके लाइफ में होंगी उसके एक्सपीरियंसेस के बदौलत, और साथ ही साथ जो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा उसके बदौलत भी आप में जो है चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस दिन मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आई थिंक एटीट्यूड से रिलेटेड था, वो कुछ तो था याद नहीं आ रहा, तो उसी ग्रुप में ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक आए, और भी अच्छा है उसको भी करेंगे। ठीक है, के लिए इतना ही। अगला क्लास जो है हम लोग ओके कल सुबह कर सकते हैं क्या, फ्री हो आप लोग? यस किशन, यस यस सर ओके, देन कल सुबह फिर 8 बजे ज्वाइन करें या साढ़े ओके आठ सर बजे ओके एट 8:15 तक कर लो सर 8:15 तक भी हम लोग उठ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो सुबह 8 बजे ओके सर क्लास करेंगे, ठीक ना? ओके सर ओके ठीक है, वेट बेटा। ठीक है देन, सो गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके सर ओके सर गुड नाइट ठीक है बाय। गुड नाइट सर।